अब तो निर्णय लेने का समय है। केंद्र किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा और हम अपनी ओर से कोई प्रहार नहीं करेंगे, पीसफुली रहेंगे। आप गेंद केंद्र के पाले में, यहाँ शरारती तत्व सरकार के द्वारा भेजे जा चुके हैं। आज आप देख रहे हैं, हमने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया, यत्न किए, जिस वार्ता का हमें न्योता मिला हम उस वार्ता में गए, हमने हाथ बांध के केंद्र सरकार को ये निवेदन किया कि आप हमारे साथ बैठकर हमारे मसलों का हल कीजिए। आप सभी मांगों के ऊपर, एक एक मांग के ऊपर चर्चा हो चुकी है, अब तो निर्णय लेने का समय है। अगर केंद्र सरकार का हेड ऑफ स्टेट आगे आए और वो कहे कि हम एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, आगे इससे आगे बढ़ा जा सकता है और स्थिति को शांत किया जा सकता है। जो हमें नजर आ रहा है, यहाँ एक एक माँ का एक एक बेटा है, हम अपनी ओर से बिल्कुल पीसफुली रहेंगे, पर जो हमने देखा कि केंद्र अर्ध सैनिक फोर्सों के द्वारा किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। हम कहते हैं आपका दायित्व बनता है, हमने भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डाली होगी, दी होगी, ये देश सभी का है, प्रधानमंत्री सभी के हैं, उनको आगे आके परिस्थितियों को संभालना चाहिए और हाँ, हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। 1.5-2 लाख करोड़ रुपया ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, इसके ऊपर 60% किसान निर्भर कर रहे हैं, खेत मजदूर जोड़ लें तो देश की 80% आबादी बनती है। तो हमारी पूरा प्रयास है कि पीसफुली रहेंगे, अथवा अगर केंद्र को ऐसा लगता है अभी मांग मानने में कोई उसे दुचित्ती आ रही है, तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है, आप संविधान की रक्षा कीजिए, हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए। ये संविधान है क्या देश के किसान मजदूर का, इससे गतिरोध खत्म हो जाएगा और आगे भी हमारे जवान है, इधर किसान है, वो भी हमारे परिवारों से हैं, हम भी अपने हैं, इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ हो जो देश को आज दुख तस्वीरें देखने में सामने आए। और हम अपनी ओर से कोई प्रहार नहीं करेंगे, पीसफुली रहेंगे। आप गेंद केंद्र के पाले में, फिर वो आने वाले समय में क्या फैसला करते हैं। हमारे फेसबुक अकाउंट, ट्विटर हैंडल बंद किए गए हैं, हमारे नाम पर जितने भी लीडर्स हैं, फेक अकाउंट, फेक फेसबुक आईडियां खोलकर पोस्टें डाली जा रही हैं। हम कृपया आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे पूरे देश को कि उनपे यकीन मत करें, हमारे ट्विटर हैंडल और हमारे फेसबुक पे बंद पड़े हैं और डुप्लीकेट चीजें जाके भड़काई सामग्री सरकार के द्वारा डाली जा रही है और यहाँ शरारती तत्व सरकार के द्वारा भेजे जा चुके हैं। हमें सभी को इस मोर्चे की रक्षा करने पड़ेगी और इसको पीसफुली ढंग से चलाना पड़ेगा।